दोस्तों, अगर आप भी जडेजा और धोनी को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, बेंगलोर के खिलाफ अंतिम ओवर में मिली हार तो प्लेऑफ से बाहर होकर रो पड़े रविंद्र जडेजा ने हार की वजह धोनी को बताते हुए और उनके संन्यास को लेकर जो कहा है ना, वो सुनने के बाद पूरा भारत देश उनको सलाम करने पर मजबूर हो गया है। तो आखिरकार रविंद्र जडेजा ने अंतिम ओवर में मैच तो जिताया नहीं, लेकिन बाद में बाहर आकर जो कहा है ना उन्होंने धोनी के बारे में, वो सुनने के बाद आप भी खड़े होकर सलाम ठोकने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा और धोनी में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जिस मुकाबले का इंतजार बेसब्री से पूरा भारत देश कर रहा था, वह मुकाबला आरसीबी और सीएसके के बीच खेला जा चुका है, जहां इस मैच में हर कोई यही सोच रहा था कि चेन्नई की टीम जीतेगी। लेकिन दोस्तों, चेन्नई की टीम को तो हराकर आरसीबी की टीम ने उनको प्लेऑफ में क्वालिफाई तक नहीं करने दिया है। जी हां, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। हुआ ये कि आरसीबी के कप्तान ने भले टॉस नहीं जीता, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए 54 रन बनाकर फाफ डुप्लेसिस ने 218 रन तक अपनी टीम आरसीबी को पहुंचाया। इस बीच विराट कोहली ने भी 47 तो रजत पाटीदार ने 41 रन बनाए और यहां कैमरन ग्रीन का भी बल्ला खूब चला, जिन्होंने 38 रन की पारी खेली और आरसीबी ने 219 रन का लक्ष्य जब चेन्नई सुपर किंग्स के आगे रखा तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आते से ही सबसे पहला बड़ा झटका अपने ऊपर ले लेती है ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में। जी हां दोस्तों, पहली गेंद पर ऋतुराज आउट हो गए ग्लेन मैक्सवेल के अंदर आती हुई गेंद पर और फिर डेरिल मिचेल 4 रन बनाकर चलते बने। लेकिन यार रचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे ने मिलकर साझेदारी की और दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 66 रन तो जोड़े। लेकिन यहां अजिंक्य रहाणे जब 33 रन बनाकर आउट हुए तो उनके तुरंत आउट हो जाने के बाद 61 रन पर चेन्नई की टीम को चौथा बड़ा झटका लगा और रचिन रविंद्र का आउट होना सबसे बड़ा टीम का ड्रॉबैक था। और फिर क्या था, यहां पर एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और चेन्नई की टीम इस मैच में वापसी कर नहीं पाई। और इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा जब मैदान पर टिके हुए थे तो जीतने के लिए इतने रन चाहिए थे कि वहां से मुकाबला जीतना इम्पॉसिबल था, लेकिन प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए मात्र 16 रन की दरकार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को थी। लेकिन दोस्तों, चेन्नई की टीम ये 16 रन भी बना नहीं पाई क्योंकि यहां रविंद्र जडेजा को स्ट्राइक मिली नहीं और धोनी ने पहली गेंद पर छक्का तो जड़ा लेकिन यश दयाल ने उनको फिर आउट करवा दिया स्वप्निल सिंह के हाथों और महेंद्र सिंह धोनी 25 रन बनाकर चलते बने। लेकिन जडेजा ने 42 रन भले बनाए लेकिन अंतिम दो गेंदों पर जब 10 रन बनाने की जरूरत थी तब दोनों गेंद मिस हुई और इस मैच को आरसीबी की टीम जीतने में कामयाब रही। और इस मुकाबले में जीत के बाद अब आरसीबी तो प्लेऑफ में पहुंच गए लेकिन चेन्नई की टीम का सपना अधूरा रह गया। लेकिन यहां पर दोस्तों रविंद्र जडेजा सामने आए और उन्होंने बताया कि आखिरकार क्यों अंतिम ओवर में जाकर उनकी टीम हारी। दरअसल दोस्तों, यहां पर जडेजा कहते हैं कि मैं खुद बताऊं तो जब 16 रन हमें चाहिए थे अंतिम ओवर में 201 रन के ऊपर पहुंचने के लिए, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि हम मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत लेंगे, लेकिन यश दयाल ने इतनी अच्छी गेंदबाजी करवाई कि हम भी उसके आगे कुछ कर ना सके। हालांकि शुरुआत की 3 गेंदें अगर खाली ना जाती और तीनों गेंदें मेरे को मिलती तो शायद मैं इस मैच में थोड़ा इंटरेस्ट जगा सकता था, लेकिन खैर अब जो भी हो, हमें हार मिली, हम इस हार को एक्सेप्ट करते हैं और आगे से कोशिश करेंगे कि ऐसी हार हमें ना मिले। बात रही धोनी भाई की, तो धोनी भाई की वजह से हम मुकाबला नहीं हारे हैं बल्कि हमारी खराब गेंदबाजी और बल्लेबाजी की वजह से हारे हैं। और वैसे भी हमारी टीम में से महेश तीक्ष्णा और मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेल रहे हैं जो कि अपने स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन अगर ये खिलाड़ी खुद होते तो शायद हम मुकाबले को और भी अच्छा बेहतर बना सकते थे रन स्कोरिंग चेज में। बाकी आगे जडेजा कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है कि धोनी भैया इस साल रिटायरमेंट ले भी रहे हैं क्रिकेट से या फिर नहीं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक वो चेन्नई के मैदान पर आखिरी मैच नहीं खेलेंगे तब तक वो संन्यास नहीं लेने वाले। तो दोस्तों, यहां पर जडेजा ने तो साफ कर दिया कि धोनी अगले साल संन्यास नहीं लेंगे और धोनी की वजह से यह मुकाबला चेन्नई की टीम नहीं हारी है। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि जडेजा जो कह रहे हैं वो सही है फिर गलत? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।